हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास, और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट की प्रैक्टिस सेट को, और प्रैक्टिस सेट 6 होगा ये। इसके पहले के सारे सेट्स को आप लगा लेना, और जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस और जो बेसिकली चीज़ें यूज़ हो सकती हैं इसमें, वो सब हम लोग यहाँ पर कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप अच्छे से वॉच करिएगा। हर जैसे जैसे आप इनको देखते जाओगे वीडियोस को, वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे थोड़ा सा टफ लेवल भी करवाऊंगा, आगे जाके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़े से हायर लेवल के, वो भी मैं इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस पूरी सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच करना, तभी आपको फ़ायदा होगा, राइट। तो पूरी कम्प्लीट प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट दोस्तों। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आके आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों के लिए मिल जाएगी, और इसमें आपको 100+ सेट्स मिल जाएंगे, जिसमें 50+ आपके टाइपिंग के सेट्स होंगे, 25 जो होंगे एक्सेल के सेट्स होंगे, और 25 जो है एमएस पावर पॉइंट के सेट्स होंगे। और इनको अगर आप तैयार कर लेते हो, क्योंकि हर लेवल का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सभी लेवल के आपको यहाँ पर, ये चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट में हो, ये जो एग्ज़ाम में टफेस्ट लेवल का पूछा जा सकता है वो भी इनमें इंक्लूड किया गया है। तो आप एक बार इसको अगर ले लेते हो सेट को, तो आप कम्प्लीटली पूरा थ्रोली रिवाइज़ कर पाओगे सारी चीज़ों को एक साथ, ठीक है। और एक्चुअल एग्ज़ाम बेस्ड ये सारे के सारे सेट जो हैं एक्चुअल एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर लीजिए, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएंगी, एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, राइट, सीपीटी या डीएसटी के लिए, राइट दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये स्लाइड दी हुई है, इसी तरह से आपको क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है आपको जस्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट यही है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना है, क्रिएट ब्लैंक स्लाइड लेनी है, और रिप्रोड्यूस करना है कंटेंट जैसे सैम्पल स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक न्यू स्लाइड यहाँ से ही ले लेंगे, न्यू स्लाइड, और इसका लेआउट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेक हेडिंग ये जो बॉक्स के अंदर है, और एक यहाँ पर है, मतलब डबल हेडिंग वाला हम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी लेआउट जो करेंगे हम लोग ये डबल वाला कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जो हेडिंग है वो आप हेडिंग टाइप कर लो, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर हम लोग फॉर्मेटिंग जो है एक साथ लगा लेंगे। पहले आप क्या करो, इस जो टेक्स्ट दिया गया है उसको पहले आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। मेन हेडिंग यही हो गई यहाँ पर। इसके बाद जो है इस जो छोटा बॉक्स है उसके अंदर ये पूरा हमें मैटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे, देखो कंजर्विंग वाटर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो यहाँ पर आप टाइप कर लोगे लेफ्ट अलाइन, जो कंट्रोल एल से आप लेफ्ट अलाइन लगा दोगे इसमें, और फिर टाइप कर लेना है जो भी मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ लो क्या दिया हुआ है, कंजर्विंग वाटर उसके बाद रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एमिशंस हैं तो ऐसे लगा दोगे। उसके बाद दिया रिसाइकलिंग ट्रैश, और फाइनली जो पॉइंट है वो है एंड रिड्यूसिंग एनर्जी यूसेज, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो चुका है, इसको थोड़ा सा हम लोग शेप जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ताकि ये प्रॉपर सारी हेडिंग्स इसके अंतर्गत आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगला जो है इसके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया। इसके बाद दिया है टर्निंग ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है। तो आप लिख लोगे टर्निंग ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ। उसके बाद है कैन सेव लॉट्स ऑफ वाटर ईच वीक,
कैन सेव लॉट्स ऑफ वाटर ईच वीक। ठीक है, सेकेंड हेडिंग भी हो गई। उसके बाद आपको आना है तीसरी पर, वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कैन रिड्यूस गैस इमिशन। ठीक है, तो वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कैन रिड्यूस गैस इमिशंस, कैन रिड्यूस गैस एमिशंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया हम लोगों का। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला दिया है लीविंग द टर्न ऑफ लाइट, टर्न लाइट्स ऑफ, लीविंग लीविंग द टर्न लाइट्स ऑफ। Lights off when they are not needed. When they are not, they are जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, when they are not needed. When they are not needed, avoid wasted energy, avoids wasted energy. Okay, तो यहां तक हो गया। उसके बाद लास्ट वाला है, recycling cans in newspaper reduces pollution. तो रिसाइकलिंग कैंस एंड न्यूज़पेपर, साइज अपने हिसाब से कर लेंगे, फिर फाइनली हम लोग उसको फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो आ जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, रिसाइकलिंग कैंस, रिसाइकलिंग कैंस एंड न्यूज़पेपर रिड्यूसेस पोल्यूशन, रिड्यूसेस पोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है मेन कंटेंट है वो आपका यहाँ पर टाइप हो चुका है। बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना है सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंट आउट करना निकालना होता है तो उसमें मिस्टेक काउंट की जाती है, तो आप ये टाइप कर ले, देख लेना आपने सही एग्जैक्टली सेम टाइप किया है नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग लगाएंगे इसमें। फॉर्मेटिंग के लिए हेडिंग में देखो कौन सी फॉर्मेटिंग लगानी है हमें, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लेना है और सेंटर अलाइन बोल्ड लेना है और रेड कलर फॉन्ट साइज 36 रहेगा। ठीक है, तो हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, साइज जो रहेगा इसका 36 रखना है, साइज जो है यहाँ पर 36 दिया हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है इसको। ठीक है, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। इसके अलावा जो कलर रहेगा ये सेंटर अलाइन और बोल्ड है। ठीक है, इसको बोल्ड करना है और सेंटर अलाइन है, सेंटर में ऑलरेडी है। ठीक है, इसका कलर जो है यहाँ से हमें चेंज करना होगा, चेंज वो रेड दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है रेड, फॉन्ट कलर रेड करना है, तो यहाँ से कलर लेंगे हम लोग, यहाँ पर टेक्स्ट फिल पे जाएंगे और यहाँ पे कलर ले लेना है रेड। ठीक है, अब देखो पीछे बॉक्स टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग बॉक्स लगाने के लिए, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप ये जो है इसी के ऊपर जो है शेप फिल करके भी लगा सकते हो। ठीक है, शेप फिल करके भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, वैसे सेंटर में लाने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको बड़ा भी करना पड़ेगा शेप। ठीक है, तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे इसको शेप फिल की ना करके हम इसको नॉर्मल ही रहने देंगे। ठीक है, इसकी जगह हम क्या करेंगे एक शेप इसमें इंसर्ट कर देंगे। शेप कौन सा इंसर्ट करेंगे, जो यहाँ पर रेक्टेंगल वाला है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको बैकवर्ड यहाँ पर, अब क्या है इसका कलर हमें चेंज करना है कौन सा, इस तरह से पिंक कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पिंक कलर हमें कहाँ से मिलेगा, इसी के लिए शेप फिल में जाना है और मोर कलर्स में जाना है, कस्टम में जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर जो है पिंक कलर हम यहाँ से अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया, लेकिन ये अभी भी एग्जैक्ट कलर नहीं बना है, तो थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो आप थोड़ा सा इसमें देख लेना, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर देना, जो कलर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वैसे ही आपको कलर बेसिकली क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि वैसे ही लगभग कलर जो है रेडिश कलर दिखाई दे, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है इसको और थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और लाइट आप कर दोगे यहाँ से, राइट, तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और इसको थोड़ा सा लाइट करो क्योंकि अभी भी प्रॉपर नहीं आया है, और थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब लगभग जो है उसी के जैसा कलर बन गया, कलर जो है उसी के जैसा होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो जब आप प्रिंट आउट करोगे तो प्रॉपर दिखेगा। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जितना हो सके उसको सही कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो टेक्स्ट है पीछे आ रहा है, तो टेक्स्ट को आगे लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड पे करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको सेट कर लो बिल्कुल सेंटर में अपने हिसाब से, जैसे आप करना चाहते हो। यहाँ पर टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेंटर में दिखाई देगा तो सेंटर में आपको इसको रख देना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा भी और बड़ा भी, उसी तरह से यहाँ पर भी इसको रखना है, ये सेंटर में दिखे, सेंटर में बिल्कुल दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये देखो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हेडिंग वाला हम लोगों का हो गया फॉर्मेटिंग। इसके बाद आते हैं हम लोग कंटेंट में। कंटेंट जो है टेक्स्ट बॉक्स में होगा विद बॉर्डर। बॉर्डर देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ब्लू बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। शेप जो है वो अप्लाई रेड कलर, रेड कलर अप्लाई करना होगा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर और अप्रोप्रिएट बुलेट नंबरिंग लगानी होगी। 18 साइज़ रहेगा और एरियल रहेगा, तो पूरे को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, यहाँ से साइज़ कर देना है 18, और यहाँ से एरियल, यहाँ से जो है एरियल कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है बुलेट्स भी लगानी, बुलेट्स देखो ये चेक वाली बुलेट लगी है, तो यही चेक वाली इनको पूरे को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर बुलेट्स वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से चेक वाली बुलेट ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसी के अनुसार यहाँ पर आपको रखना है। जैसा कि आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है वैसे ही आपको इसी के बराबर में रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप रख दोगे, राइट। उसके बाद रेड यहाँ पर हम वो जो है इसका बॉर्डर यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाना है, और शेप आउटलाइन में जाके आपको कलर ले लेना है ब्लू, ठीक है। और इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से वेट वेट में जाएंगे, और वेट में हम यहाँ पर वेट बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा सा दिख रहा वैसे ही उतना ही यहाँ पर भी हमने कर दिया। अब देखो इसके और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी रखा है। अब देखो थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ताकि जैसा ये दिख रहा है वैसे एग्जैक्टली ये भी दिखाई दे, राइट। इसके बाद देखो इसी के ठीक नीचे जो है हेडर फुटर आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो है यहाँ पर डबल बेसिकली जो है बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं नीचे ले आते हैं, क्योंकि बॉर्डर भी अभी लगाना है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे अपने हिसाब से, और बिल्कुल बराबरी पर रखना है उसको, आप उसी हिसाब से रखना, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मिड में आना चाहिए, तो मिड में इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, उसके बाद हेडर फूटर लगा लो। उसके बाद फिर हम फाइनल जो है हेडर फूटर के लिए क्या करना है, हेडर फूटर सेक्शन में आना है। इसमें डेट और आपको रोल नंबर फुटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख लेना है आपको रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर, और रोल नंबर में जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप रोल नंबर लिखोगे। मैं 1 2 3 4 5 6 लिख दे रहा हूँ। फिर स्पेस देकर आप यहाँ पर नेम लिख लोगे, ठीक है। नेम में जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिख देना है यहाँ पर, राइट। अब ओके कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर इसको सेट कर लेना है इसी के हिसाब से जैसा कि दिखाया जा रहा है इसमें, इस इमेज में, ठीक है। इसी का ठीक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट सेट कर लेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख लो, इनके सबके बीच में एक एक जो है वो स्पेस है, तो यहाँ पर भी सबके बीच में एक एक का स्पेस है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है। और यहाँ पर कलर और चेंज है, कलर देखो यहाँ पर रेड दिया हुआ है, तो वही रेड कलर यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। पूरे को सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से कलर जो है वो चूज़ कर लेना है रेड, ठीक है। रेड कलर हो गया, बॉर्डर जो है ब्लू हो गया, और ऊपर भी ब्लू है,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेट कर लेना है आपको डेट और रोल नंबर और नेम को। अब इसके लिए फुटर की जो हेडिंग है, फुटर के लिए जो है टाइम, रोल नंबर, डेट वगैरह यहाँ पर ऐड करोगे आप, वो क्या रहेगा यहाँ पर फुटर में, एरियल और साइज 16 रहेगा। तो इसको साइज 16 यहाँ से कर देंगे और यहाँ से एरियल कर देना है, ठीक है। तो ये एरियल और साइज 16 हो गए, इसी की फॉर्मेटिंग कॉपी कर देंगे बाकी के में। फॉर्मेटिंग कॉपी के करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी आपको प्रेस करना है, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सेलेक्ट करो पहले और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दो, तो फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है फॉर्मेटिंग इसकी पेस्ट हो गई। अब इसको यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये सेंटर में रोल नंबर सेंटर में है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसके अनुसार सेलेक्ट कर लोगे, थोड़ा सा स्पेस दे दो इनके बीच में, तो ये बिल्कुल सेंटर में और फिर वो राइट में आ जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप सेलेक्ट कर लोगे कि एक ही सीध में होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है एक ही सीध में है, तो यहाँ पे भी आपको एक ही सीध में होना चाहिए। ये आपने यहाँ पर बना दिया। अब इसके ऊपर आपको लगाना है यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर, ठीक है। ब्लैक बॉर्डर कैसे लगाओगे, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को इसी के आगे जो है इस तरह से आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर कितना है इनके बीच में, थोड़ा सा चारों तरफ स्पेस है और ये पूरा कवर हो रहा है इसके अंतर्गत। तो उसी हिसाब से ये टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर जो है हमने इसी के हिसाब से जो है उसको सेलेक्ट कर लिया कि प्रॉपर चारों तरफ से दिखाई दे, और जैसा दिख रहा वैसा ही दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हम कम कर देंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर और भी अभी एक और हमें लगाना है, तो यहाँ से स्पेस कम हो गया। अब क्या करना है इसमें, आपको फॉर्मेटिंग पे जाना है, यहाँ पर शेप आउटलाइन पे जाओगे, कलर ब्लैक है तो ब्लैक कर दो, और यहाँ पर वेट इसका बढ़ा दोगे, ठीक है, ताकि बड़ा दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रखना है, कितना बड़ा है कि आप देखो, थोड़ा सा और छोटा करना है, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। वेट अपने हिसाब से आप देख के एडजस्ट कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। ये साइज सही है, यहाँ पर आप कंपेयर करा लेना, जैसा दिख रहा है वैसे आपको रखना है। इससे बड़ा अगर कर रहे हो तो वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, आप यहाँ पर कंपेयर करा सकते हो। इससे बड़े वाले पे ज़्यादा बड़ी बुलेट्स दिखाई दे रही है, ये वाला 3 पॉइंट वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है कितने पॉइंट रखना है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से देख लेना अपने हिसाब से, बाकी चीज़ें भी सही आनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस दे दो तो ये प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको एक और बॉर्डर लगाना है, जिसका कलर देखो यहाँ पर क्या है, ग्रे कलर है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ से, और फिर से इसी के ऊपर से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी के ठीक ऊपर अप्लाई कर देना है, और चारों तरफ से आप देख लेना जो विड्थ वगैरह प्रॉपर उसी प्रकार आए जैसे यहाँ पे दी हुई है। अब इसका कलर जो है यहाँ से हम ग्रे कर देंगे, इसका कलर ग्रे कर दिया, और यहाँ पे आउटलाइन जो है वो हम बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आउटलाइन जितनी भी अपने हिसाब से, ये 4 पॉइंट कर दी तो ये दिख रही है इस तरह। अब यहाँ पर देख लो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, उसी हिसाब से यहाँ पर आप उसको एडजस्ट कर लोगे कि जो स्पेस रहना चाहिए वो सब जगह पर बराबर रहना चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया चारों तरफ, वो प्रॉपर बन गई है हमारी स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली जो है इतना जो है आपने क्रिएट कर लिया, जो जो चीज़ आपको बताई गई थी उसके हिसाब से, ठीक है। और अब फाइनली क्या करना है आपको, इसका प्रिंटआउट निकालना है, और प्रिंटआउट निकाल के आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जस्ट आप प्रिंटआउट लेने के लिए कंट्रोल पी प्रेस करोगे, ठीक है। और जब आप इतना प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि जब प्रिंट होगा तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो गया, और यही आपको बनानी थी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप लोग इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाओगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें नई सिखाई, क्योंकि इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यही वाली आती है कि इसको बीच में सेंटर में अलाइन कैसे करेंगे। नॉर्मली अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पीछे क्या है कोई शेप लगा देते हो, उसके हिसाब से करते हो, तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली हूबहू बना पाओगे, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ही बैकग्राउंड में लगा के कलर कि वो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर बुलेट्स, ये जो बॉर्डर है वो कैसे क्रिएट करना है, वो भी मैंने आपको नई चीज़ सिखाई,
तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो चीज़ें जैसी आपको स्लाइड दी गई है वैसी सेम टू सेम अपने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को और सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो CPT की तैयारी कर रहे हैं, DST की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए है तो। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो भी उस अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।